एपिसोड 6, एक बड़ा ब्रेक। हॉस्पिटल के बगल में ही मुंबई सिटी मॉल था। मॉल में वेस्टर्न ड्रेस का सेक्शन 5th फ्लोर पर था। माही लिफ्ट का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एथनिक सेक्शन से एक मरून स्लीवलेस नी लेंथ कुर्ता उठा लिया। वो मॉल में ही रेडी हो गई और उसने जल्दी से अंधेरी के लिए टैक्सी ले ली। मुंबई में आपको और कुछ मिले ना मिले, पर काली पीली टैक्सी हर हालत में हाजिर रहती है। क्या हुआ दादा, टैक्सी क्यों रोक दी? उसने अपने बैग से ईयरफोन्स निकालते हुए कहा। मैडम, बहुत लंबी ट्रैफिक है, ड्राइवर ने हॉर्न बजाते हुए कहा। हे भगवान, अब बस यही बाकी रह गया था, मुंबई की ट्रैफिक में फंसना, माही ने अपना हाथ माथे पर रखते हुए कहा। इसलिए वो हमेशा मेट्रो से ट्रैवल करती थी, पर हॉस्पिटल से मेट्रो स्टेशन बहुत दूर था, इसलिए आज उसने टैक्सी ले ली। माही जानती थी कि मुंबई के ट्रैफिक में फंसना मतलब घंटों इंतजार करना। वो अपना टेंशन कम करने के लिए ईयरफोन्स लगाकर जगजीत सिंह के गजल सुनने लगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गजल। ऐसे ही 1.5 घंटे के बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ। उसने अपनी कलाई पर बंधी टाइटन की ब्लैक घड़ी में टाइम देखा। ऑडिशन शुरू हुए 15 मिनट हो गए थे। भाऊ, प्लीज टैक्सी जल्दी जल्दी चलाओ, माही ने परेशान होते हुए कहा। अरे मैडम, काय जाला, ये टैक्सी है, हवाई जहाज नहीं। आप चिंता मत करिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस आप प्लीज ना शांति से बैठ जाओ, ड्राइवर ने दिलासा दिया। फाइनली वो हंगामा फिल्म स्टूडियो पहुंच गई। अरे भाऊ, थैंक यू, ये लो पैसे, चेंज आप ही रख लो। माही जैसे ही टैक्सी से उतरने लगी, उसकी नजर रागिनी पर पड़ी। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप वाला पेंसिल स्कर्ट और टाइट फिटिंग क्रॉप टॉप पहने वो काफी हॉट लग रही थी। प्रिया रागिनी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही थी। रागिनी ने माही को देख लिया। वो आज भी उसे उसी नजर से देखती है जैसे 5 साल पहले देखती थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान बिखर गई और अगले ही पल वो प्रिया के साथ लाल रंग की ह्युंडई कार में बैठकर चली गई। माही ने जल्दी वॉशरूम जाकर अपना टचअप किया और ऑडिशन वाले स्पॉट पर पहुंच गई। उसने देखा कि पैकअप हो रहा है। उसने कास्टिंग डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और को प्रोड्यूसर को स्टूडियो के बाहर कुछ डिस्कस करते हुए देखा। आई एम सो सॉरी सर, मैं लेट हो गई, पर क्या आप कुछ नहीं हो सकता, उसने उन लोगों के डिस्कशन के बीच में घुसते हुए पीछे से कहा। बीच में लड़की की आवाज सुनकर सब नाराज हो गए। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसको बिना देखे कहा, अब आप क्यों आई हैं, मेरा आसमान के लिए ऑडिशन खत्म हो गए हैं। तभी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव माचिस से सिगरेट जलाते हुए बड़बड़ाया। आजकल के यूथ तो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते। सर, मैं यहाँ फर्स्ट फीमेल लीड के ऑडिशन के लिए नहीं आई हूँ, माही ने धीरे से कहा। क्या, अगर तुम फीमेल लीड के लिए नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो, स्क्रिप्ट राइटर ने पूछा। मैं यहाँ सेकेंड फीमेल लीड प्रीति के ऑडिशन के लिए आई हूँ, उनके पास जाते हुए माही ने कहा। सब लोग उसकी तरफ मुड़ गए और उसको गौर से देखने लगे। सब लोग उसके मरून शेड लिपस्टिक वाले होंठ, बड़ी बड़ी मोरनी जैसी आंखें और सुर्ख गालों वाले तराशे हुए चेहरे को देखते रह गए। एक मरून कलर सिल्वर प्रिंटेड कुर्ता को उसने वन पीस ड्रेस बनाकर पहना था। उसने कमर पर बेल्ट बांधा था जिससे उसकी कमर बहुत स्लिम लग रही थी। फ्रेंच चोटी के साथ गोल्डन ईयरिंग उसके लुक को कंप्लीट कर रही थी। उसका फिगर परफेक्ट था और चेहरे पर एक मासूमियत थी। क्या नाम है तुम्हारा, डायरेक्टर का सवाल सुनकर सब अपने ख्यालों से बाहर आए। जी जी, माही, डायरेक्टर ने इशारों में असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर से कुछ बात की और माही को कहा,
ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। माही, तुम इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हो। तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए फाइनल कॉल आएगा और आगे का तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। थैंक यू संजय सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। वो यही चाहती थी कि किसी तरह उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल जाए। ये माही के लिए एक बड़ा ब्रेक था। उसने प्रीति के रोल को समझने के लिए 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अब जाकर फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। माही के जाने के बाद डायरेक्टर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, हम कब से एक एक्ट्रेस की तलाश में थे, हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें ढूंढ लिया। इस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट हंगामा एंटरटेनमेंट के साथ है, इसके बावजूद उसे बहुत कम रोल मिले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक अनपॉपुलर एक्ट्रेस को इस रोल के लिए सिलेक्ट करूंगा। स्क्रीन राइटर संतोष ने भी आगे बढ़कर कहा, उसके बारे में सबसे अच्छी बात उसका काम नेचर और वे ऑफ टॉकिंग है। प्रीति का किरदार बोल्ड है, उसमें बोल्डनेस है, अच्छे नेचर के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। बिना किसी वल्गैरिटी के वो एक सिडक्टिव रोल परफेक्टली निभाएगी। इससे पहले इस रोल के लिए जितने भी आर्टिस्ट ने ऑडिशन दिए उनमें से कोई भी इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं था। मैं तो सच बताऊं ऑडिशन से बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। डायरेक्टर हंसते हुए बोले, अरे गुस्सा मत हो, अब तो आपके इतने सब्र के बाद आपकी प्रीति मिल गई। उसी समय नारायणा मेमोरियल हॉस्पिटल बांद्रा, बनी वीआईपी पेशेंट रूम में था और बहुत परेशान था। वो चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। स्टोर रूम के कोने में बैठने की वजह से उसकी वाइट टी शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट मैली हो गई थी। उसके बाल और आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़कर आया था। ना तो वो किसी व्हाइट कोट वाले डॉक्टर की सुन रहा था और ना ही ब्लू साड़ी वाली नर्स को पास आने दे रहा था। वो सबको नजरअंदाज कर रहा था। पूरे दिन हॉस्पिटल में चक्कर काटता प्रेम अब बहुत थक चुका था। उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। वो बनी को लेकर जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, पर बनी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आखिर में उसने ऑफिस में कॉल लगाकर विक्रम को हॉस्पिटल बुलाया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।